ये देखो, हालांकि ये तो इन्होंने क्या ट्रक पे करा है, बट देखो ये तो इधर से फट ही गया। ये तो कहीं से टच कर गई गाड़ी, ये कहाँ करी? काम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि हर एक चीज ना बड़ी डिटेल में काटनी पड़ेगी। ये देखो हिमाचल से आए हैं पर हिमाचल की वाइब छोड़ नहीं पा रहे हैं। जाएगा दोबारा बोला, चाहोगे तो एक और ट्रिप भी हम प्लान करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, टूटती उम्मीदों के साथ हो रही है आज के दिन की शुरुआत। कल रात को हमने क्या सोचा? क्या सोचा था? कि बर्फ पड़ेगी। बर्फ पड़ेगी तो मैं आपको एक बारी बाहर के सीन्स दिखा देता हूँ। तो सुबह उठ गए थे, काफी देर से बस दुख मना रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो अब दुख मना लिया है। यार देखो क्या धूप निकली है कड़ाके की। उधर जम्मू अपने में बारिश हो रही, मैंने कहा इधर भी बर्फ बुरफ कुछ पड़ जाएगी। वैसे मनाली का मौसम बदलते पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, बट फिलहाल तो कोई सीन ही नहीं है, ये तो कल वाली सिचुएशन ही है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं आज क्या सीन्स बनेंगे। खाना जो है ब्रेकफास्ट हमने मंगवा ली है, चाय और ये सैंडविच मंगा ली है, तो चलो खाते हैं ये और जो भी आगे के सीन्स है वो बताते हैं। रेडी हो गया हूँ, ठीक है। बाकी अभी विशु और ऋषभ भाई ने जो है रेडी होना है, आशु भाई नीचे आ चुके हैं, तो ठीक है हम इधर गाड़ी वॉश करवा लेते हैं। दिस इज डे फोर एंड हम मतलब अपनी गाड़ी वॉश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आशु भाई जो है वो पहले ही नीचे आ गए, इतनी देर उन्होंने कहा गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो ये नीचे, कि अगर हम दिन में आज यही रहेंगे तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कैप ही रख ही लेता हूँ। कैप पहन लो ना तो आप ठंड से काफी ज्यादा बच जाते हो, ड्रोन वाला बैग मैं साथ में रख लेता हूँ। आशु भैया निकाल रहे हैं फॉर्च्यूनर। आशु भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, एक अपडेट मिली हुई है तरुण भाई, जाम की बहुत तगड़ा नेक्स्ट लेवल जाम लगा। सुबह से दो तीन फोन आ चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक? नीचे पूरा रंगड़ी से ऊपर तक जब सब जगह जाम लगा। संडे है ना, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे संडे को आसपास के लोग जैसे पंजाब वालों को भी पास रहता है, हमें जम्मू वालों को ज्यादातर पास रहता है चंडीगढ़ वगैरह, तो ये लोग आते होंगे संडे को, तो मे भी उस वजह से हो सकता है जाम हो। आपको पता है ना जैसे मनाली में मैं पहले भी आता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी पे ग्राफिक्स वगैरह करवाता हूँ मनाली से, तो यहाँ पास में एक जगह है वहाँ पे आशु भैया ने कहा कि ग्राफिक्स है। अभी हमने रैप ये वाला रखना है, पास वाले के पास नहीं जा रहे इस बार। अच्छा, इस बार हम दूर वाले के दूर, तो हम ना एक ही प्लान बना के चलते हैं और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं जो हमारे प्लान में नहीं होती और उन्हीं में मजा आता है। तो देखते हैं आज कोई वैसी चीज होती है जो हमारे प्लान में नहीं है, तो ऋषभ भाई और बाद में आएंगे उन्हें हम लोकेशन भेज देंगे, क्योंकि हमें गाड़ी वॉश भी करवानी है, टाइम लगेगा ना हमारी चीज में। ठीक है बस यही है, बर्फ नहीं पड़ी बस। यार सही में मैं रात भर सोया नहीं, मैं कब बोला था 3 बजे उठूंगा। हाँ मैं भी एक्साइटेड था कि 3 बजे तक था, आप प्रेडिक्शन की 3 बजे पड़ सकती है, बट वेदर फोकस के भरोसे नहीं रहना। जिमनी क्रैश्ड, सेम वैसी क्रैश हुई है जैसे मेरी, तो मेरी वाली खैर राइट साइड से हुई थी, लेफ्ट साइड से हुई है। जाम आप देख रहे हो, जितना जितना आपकी नजर जाएगी उतनी तक आपको जाम ही दिखेगा, बट प्लस ये है कि हम जा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, तो हमारे वाली साइड पे जाम नहीं है। मैं और आशु भाई अभी एक चीज डिस्कस कर रहे थे, जैसे यूट्यूब हमारा काम है, ये सिर्फ अब शौक नहीं है, हमारा काम है, हम इसे एज अ प्रोफेशन करते हैं। जैसे ये जो आपको रश दिख रहा है ना, तो ये सारे लोग वो हैं जो अपने काम काज से संडे को छुट्टी का दिन लेकर यहाँ घूमने आए हैं। तीन तीन लाइनें लगी हुई है। हमें प्लस ये है कि हमें वीकेंड की चिंता नहीं होती, हमारे लिए हर दिन फ्री रहता है उस तरह से घूमने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और हम इस तरह के जाम में मतलब मैं वीकेंड में कभी ना आऊं। सोचा था हम ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए लेफ्ट बैंक से जाएंगे, क्योंकि राइट साइड में मेन हाईवे में ट्रैफिक लगा, बट यहाँ तो और लगा हुआ है। निकल रहे हैं और हमारे साथ हैं जेरी भाई। जेरी भाई क्या हाल चाल है? तो जेरी भाई भी चैनल देखते हैं और आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जेरी भाई की सिफारिश लगने वाली है, मारुति से लेकर फॉर्च्यूनर तक का सफर हम देखते रहते हैं। अच्छा, तो अभी गाड़ी के काम में लगना है थोड़ा सा टाइम, तो इसलिए मैं फ्री बैठा हुआ। आप भी कभी फ्री बैठे हो और बोर हो रहे हो, तो आज मैं आपको उसके लिए बताने वाला हूँ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और साथ साथ में कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गेम अवेलेबल इन द मार्केट, जिसका नाम है एविएटर। ये परिमैच का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है और परिमैच जो है वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, बहुत से सेलिब्रिटी भी इस चीज को मानते हैं और काफी सारे लोग मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो है वो इस पे खेलते भी हैं। और एविएटर गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको प्लेन को कैश आउट करना होता है उसके क्रैश होने से पहले। तो चलिए मैं को सीधा खेल के बताता हूं। तो यहां देख सकते हैं आप, हम जीत चुके हैं। परी मैच पे आपको इजी साइन अप, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इजी विड्रॉल और आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 1,00,000 तक का वेलकम बोनस भी मिलता है। तो परी मैच का जो लिंक है वो मैंने पिन कमेंट में आपको दे दिया है, तो जाके जरूर साइन अप करो। एंड हाँ, एक बारी करने से पहले ना अपने दिमाग का भी इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और ये जिप्सी आपको जानी पहचानी है, जानी पहचानी सी लगेगी। तो ये आशुबिया वाली जिप्सी है, तो ये सही लगा मुझे इनका ना, एक तो इन्होंने सैंड चैनल भी ऐसे माउंट कर रखी है ना, लेकिन एक चक्कर है ना, फिर इसके लिए बॉडी में वो करना पड़ता है ना, ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है। ये एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा ड्रिल में रहता है इशू। आपके पास भी तो बड़ा है क्या? टेस्ट किया आपने? नहीं, ये प्रैक्टिकल है भाई चीज। और इसका एक चीज है, इसको ये ना हमने पीछे टायर में पहले थार फसाई हमने बर्फ में, पीछे टायर में लगाया, ये पीछे टायर में नहीं फ्रंट में लगता है हमेशा। अच्छा, बट ये है कि हमारी गाड़ियों के लिए जैसे जिमनी के लिए अच्छा है,
थार जो फॉर्च्यूनर के लिए शायद नहीं उतना, बट जैसे लाइट वेट गाड़ी है उसके लिए अच्छा रहता है। अभी इस गाड़ी का भी काम वाम जो है वो सारा करना है, उसी के लिए इधर लगी हुई है गाड़ी। पहले क्या है कि वॉश करेंगे और फिर ग्राफिक्स वगैरह। मैं ना आपको एक वो चीज दिखाता हूँ जो मुझे ना बड़ी अच्छी लगी, ये देखो। हालांकि ये तो इन्होंने क्या है ट्रक पे करा है, बट देखो सही लग रहा है ना, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी अपनी बढ़िया है। अब रैप बहुत से लोगों को नहीं इसमें वीडियो में अच्छा लगता, बट ग्राफिक्स से क्या है वो चीज छुप जाएगी। पतली कुल है जगह का नाम ना, और ये हमारा वही डिटेलिंग वाला है जहाँ पे हम अभी स्टिकर करवाएंगे द मैक आर्ट्स। अच्छे लगते हैं मेरे को, जैसे मैंने जिम्नी पे ग्राफिक्स, जब जिप्सी पे ग्राफिक्स कराया था ना, मेरे को खुद को बड़े अच्छे लगते थे। वही चीज है जो खुद को अच्छी लगे करवानी चाहिए। कोई ऐसे इस गाड़ी पे भी ना रैप वैप हो रहा है अभी तो? अभी क्या है कि मेरे से ना ओपिनियन पूछा जा रहा था, मतलब मैंने कहा यार देखो गाड़ी पे ना कोई भी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये करवाना है। मैं कुछ देख कर नहीं आया, बस कुछ भी ऐसा जो गाड़ी पे सूट कर जाए, और मतलब जैसे स्मॉल डॉन राइडर लिखवाया था ना गाड़ी पे, तो गाड़ी उससे बड़ी अच्छी लगती थी, कुछ वैसा ही इस पे भी लिखवा दे, तो यही कुछ विजन है। आज जो गाड़ी मेरी गंदी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप सोचो संडे को जो एक्सट्रीम ऑफ रोड किया ना, उसके बाद से गाड़ी वॉश नहीं हुई, कीचड़ में भी फंसी। कल क्या जैसे गाड़ी गंदी रहती तो आवाजें वूजें भी करती, तो वो सारा जो आज मसला है हम सुलटा देंगे। इसलिए यहाँ पे चढ़ाई है ताकि नीचे से अच्छे से वॉश हो जाए। मिट्टी देखो कैसे निकल रही है अंदर से। गाइस लगता है प्रेशर ज्यादा ही जोर से लग गया। ये तो इधर से फटी है। ओहो अब तो ये अजीब लगेगा, यहाँ भी कुछ लगाना पड़ेगा। अब तो ये ना चिपके पानी आ गया इसमें, क्या लगाएंगे यहाँ तो? ये तो बड़ी गलत जगह से फटा है, पर चलो कोई नहीं, फट गया तो फट गया। गाड़ी हो गई हमारी वॉश, बट ये लगी किधर ये तो मुझे आइडिया ही नहीं है। ये तो कहीं से टच कर गई गाड़ी, ये कहाँ करी मुझे तो पता भी नहीं है। ये एक स्टिकर जो है वो बन रहा है, तो उस पे कुछ अभी आपको दिखा देते हैं डिटेलिंग। कलर वलर जो है वो चेंज किया जा रहा है। डिसाइड किया है हमने कि ये कलर रहेगा, बिकॉज हमारा जो रैप है ना वो ऐसा है कि उस पे कोई भी कलर दिख नहीं पाएगा, तो ये सिल्वर आई होप कि उस पे दिख जाएगा कि भाई हमने कुछ करा हुआ है, अदरवाइज वो कलर सब एब्जॉर्ब कर जाता है। तो गाइस देखो आप कितनी बड़ी शीट लग रही है, मतलब 5 फुट का रोल है, कितना बड़ा नाम होगा। नाम बड़ा ही है, नाम में जब स्मॉल है तो वो कितना बड़ा, वो काहे का बड़ा बड़ा है ना। गाड़ी आएगी अब अपनी अंदर, तो मैंने ना इन्हीं पे ही छोड़ रखा है सारा। मैंने कहा आप खुद ही कर लो अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है। अब देखो क्या क्या होता है, मतलब इस तरह से बर्फ में लेके जानी चाहिए साफ गाड़ी। काम जो है वो शुरू हो चुका है, साइड पे ही लिखवाएंगे नाम ना, तो उसी पे अच्छा लगता है। चलो फिल्म जो है हमारी निकल चुकी है, नाम जो है दोनों आ चुके हैं इस पे, ठीक है। अभी जब कटिंग करेंगे तो फिर आपको प्रॉपरली दिख जाएगा, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकलना शुरू हो गया। इस फॉन्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फॉन्ट। लो जी बढ़िया लग रहा है ना, देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। देखते हैं जब इस पे लगेगा तो फिर कैसा लगता है। काफी डिटेलिंग का काम भी रहता है, जैसे देखो छोटे छोटे एलिमेंट्स भी निकालने पड़ जाते हैं, नहीं तो ऐसा बिल्कुल प्लेन सा निकलता है। कुछ फाइनल लुक जो है वो सामने आ चुका है, अब गाड़ी पे लगेगा। लोग बोर हो रहे हैं इसलिए वो पबजी खेल रहे हैं। सुबह मैं जल्दी निकल गया था तो ये लोग आ रहे थे बाद में, बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, 2:30 बज गए। उधर जाना है ऋषभ भाई की अपनी चूल्हा लाइफ की। ये जो पीछे का हिस्सा था ये यहाँ से फट गया था, तो इसको पूरा कर दिया। मुझे नहीं पता यहाँ कौन सा डिजाइन बनेगा, ये तो पहले से ही डिजाइन बन गया है। अच्छा ठीक है पर दोनों साइड करना पड़ेगा, एक ही साइड दोनों? ठीक है चल जाएगा, दोनों चार्ज चल जाएगा। हमेशा से ना क्लैडिंग के लिए बहुत से कमेंट आते थे कि भाई ये कलर ब्लैक है, जा तो इसको ब्लैक कर दो, जा तो ब्लू कर दो, मतलब जा तो ये ब्लैक कर दो या ये ब्लू कर दो। लेकिन आज हम इसी को करना का सोचा नहीं था, लेकिन वो फट गया वहाँ से, तो अब इसी को हम जो है कर देंगे ब्लैक। तो एक पूरी थीम जो मैच हो जाएगी आगे से लेके। विजय भाई की स्पीड का तो फैन ही हो गया मैं, मतलब थोड़ा बहुत स्पीड पे भी कुछ मसला बातचीत चल रही थी। नहीं फाइनली जो अपना टर्न है वो आ चुका है, सब जैसे लगाएंगे तब दिखाएंगे आपको। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तुझे चिपक तो गया है। अब यहाँ से कटिंग होगी। वीडियो में तो क्या है कि कभी भी जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है कि भैया बता रहे जैसे ये जो है ना इससे कटा है ये, और ये कह रहे हैं कि ये रैप की ही शीट है, आइवरी का रैप। मेरे को अक्षय ने बताया था काफी बढ़िया भी रहता है आइवरी डेनिसन, ठीक है। तो ये रैप ही इन्होंने काट के रैप पे चिपकाया है। चलिए जी गाड़ी पे स्मॉल टाउन राइडर लिख चुका है, और जो पहले आदमी देख रहे हैं वो है हमारे हिमांशु भाई। क्या हाल चले जी, काफी देर से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आज मिल भी लिया। आप कहाँ से? बुंतर से। तो बुंतर यहाँ से कितना है? 20 से 25 किलोमीटर स्पेशली आए ये मिलने के लिए। मेरे को पहले फोन किया था। अच्छा मेरे को भाई नहीं आएगा, भाई आप मुझे तो चलो ठीक है जी, कीप सपोर्टिंग, अच्छा लगा मिलके ना। स्टिकरिंग में लग गया आज काफी ज्यादा टाइम, सूरज ढल चुका है, ठंड हो चुकी है, इसलिए आपने देखा है कि मैंने कैप वापस पहन ली है। तो एक्चुअली साइड वाले जो स्टिकर थे वो तो हो गए थे, लेकिन उसके साथ कुछ और ग्राफिक्स भी दे रहे थे, तो वो अभी कर रहे हैं। शायद आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो हम शायद जम्मू भी निकलेंगे। और देखो भाई ट्रैक्टर के साथ हो रही है ऑफ रोड, रात को ही निकलेंगे। ना नहीं खाऊंगा चिप्स, आपने लाया इसका चिप्स नहीं खाऊंगा मैं। ऋषभ भाई अब आपको ये बाइक लेनी है, टायर देखो कितना बड़ा बड़ा टायर है इसका, जोड़ने पड़ेंगे ना। पैसा आपके पास थोड़ा है?
थार 700 जो लोग पाल रहे हैं उनके पास पैसे की कोई कमी है क्या? तो कहते हैं बेंट भाई भी है, खुद सेल्फ बनाई गई है। तो जी स्मॉल टाउन राइडर तो लग गया हमारा, लेकिन एक और ग्राफिक जो है वो हम लगा रहे हैं, वो भी एक फॉर्च्यूनर ही है, मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर है दीपू भैया। पर अपने वाली तो ऐसी नहीं दिख रही, टायर सेम है, बंपर भी तकरीबन सेम है, ऊपर वाला बस वो है। तो काफी डिटेल्ड में है ये टैटू, इसलिए इसको काफी टैटू बोल रहा हूँ, स्टिकर काफी, इसलिए इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हर एक चीज ना बड़ी डिटेल में काटनी पड़ेगी। देखो ये वाली गाड़ी चलती है, चलेगी जब लगेगी ना। अच्छा, ये रैपिंग में कटिंग है, जो रैपिंग टेप है ना, वो गाड़ी पूरी पूरी रैप होती है, वो टेप है ये। अच्छा, इसमें कटिंग नहीं होती, पहले जबरदस्ती काम है ये, जबरदस्ती करा रहे। पर इसमें फायदा ये है ना, बबल नहीं आई है, टेम्परेचर डाउन में लग जाती है, बाहर देखा ना आपने कितना टेम्परेचर है, इसमें कटिंग करते हैं। मुझे भी मैंने एक चीज़ और देखी, ये बेचारी मेरी क्लैडिंग है ना, ये बाहर आ गई है, तो अभी इसको उठा लिया मैंने, अभी इसको अंदर कर देंगे, ये क्यों ज़्यादा टाइट नहीं करनी। तो लो जी फॉर्चुनर भी अपनी लग गई है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे को लगा ये अपनी वाली टाइप टू फॉर्चुनर है, बट ये फॉर्चुनर नहीं है, तो लेजेंडर है। लाइटें देख रहे हो आप इसकी, फाइनल स्टिकर है, ये भी लग जाएगा, अभी दोनों साइड से बराबर देखेंगे। आज क्यों आए भाई जल्दी नहीं आएगा, थैंक्स। अभी क्या है कि सारे स्टिकर तो हो चुके हैं, अब एक कह रहे हैं कि ऊपर सनरूफ पे भी लगाना है, तो वो भी लगा ही लेते हैं। और बाहर देखो अंधेरा कितना हो गया है, तो कब निकले थे, तो आज क्या सोचा था और क्या हो गया हमारे साथ। ऊपर भी एक ऐसे बेसिक सा हमने लगा लिया, कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं बैटमैन का कोई बहुत बड़ा फ़ैन, बट बस ऐसे ही लगा दिया। काम जो है सारा हो चुका है और अंधेरा भी इसी के साथ हो चुका हुआ है। फाइनल लुक तो आपको इसकी कल ही दिखेगी, बट क्या लग रही है, मतलब स्टिकरिंग से ना गाड़ी स्टैंड आउट करती है, यही हमारा मोटिव भी था। यहाँ से जाएंगे हिमाचल, आए सिड्डू नहीं खाया तो क्या किया, सिड्डू खाएंगे और फिर घर निकलना है आज ना, नहीं जाना, अब नहीं जाएंगे, अब कल ही जाएंगे। नहीं नहीं गाइस, लेट्स सी क्या होगा, कैसे होगा। आ चुके हैं अपनी गाड़ी में वापस, तो अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि काम जो इतना बढ़िया हुआ ना, मतलब डिटेल में था, बस उसी में क्या है कि टाइम काफी लग गया और प्राइसेस भी काफी जेन्युइन से थे। स्टैंड आउट तो यार पहले भी करी जाती है टायर और बम्पर्स की वजह से, बट अब थोड़ा सा उस पर स्मॉल टाउन राइडर भी लिखा है, तो कोई ऐसा भी देखेगा तो कहीं किसी का दिमाग करेगा यार स्मॉल टाउन राइडर, कहीं गूगल यूट्यूब पर सर्च कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कौन है। ठीक है, हम कौन है, कौन है हम, बड़े बस आ गई थी बहुत बड़ी, ऐसा कभी होता तो नहीं है लेकिन हो गया है। देखो जिप्सी अटक गई है, ये पक्का किसी को दी हुई है, लचपट गई इसकी। पहुंच गए मनाली ओल्ड, और एक चीज हमें दिखी है भयंकर सी, तो मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। सो यू कैन सी अ बोलेरो विद विंच, ठीक है, ये बोलेरो नहीं है, ये मार्शल होगी या जो भी होगी, 4x4 गाड़ी होगी। पुरानी गाड़ी होगी, बना रखी है अच्छे प्यार से, तो चलो ऋषभ भाई और पीछे रह गए कहीं। अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड में सिद्धू खाने, गाड़ी हमने जो है पार्क कर दी है, ऋषभ भाई और भी आ गए हैं, ऐसा बात चले ही जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ घूम के कहाँ घुस जाते हैं, पहुँचा दो कहीं। तो अब हम जा रहे हैं तीसरी जगह, दो जगह हमें दुकानें ही बंद होगी, अब तीसरी जगह जा रहे हैं जहाँ देखते हैं खाने में कुछ मिलता है नहीं मिलता, मतलब भूख के मारे ना जान जा रही है। एक चीज याद नहीं रही कि संडे है वो बंद होता है, इसको बोल अगले संडे यार। प्लान कुछ पता नहीं कहाँ पे ब्लॉग मैंने एंड किया था, तो अभी गए हुए थे आशु भाई के घर, तो आंटी ने जो है कैब दे दी हमें, मिश्का भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग आज जो है वापस निकल रहे हैं, अभी कैब मिल गई उधर, कहाँ उधर मेन, तो ए हिमाचली भाऊ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, की होटल को भी बोला है भाई भाई। अशु भाई आओ फिर जम्मू, चलो अभी चलो, अभी चलो, हाँ चलो, हो गई डन बात, चलो नहीं पुंटो नहीं जाएंगे तो फॉर्च्यूनर में। मैं चला गया था सुसु करने, तो गाड़ी अशु भाई ने तिर मोड़ दी है, अभी यहाँ से आपको कुछ लुक दिख रहा होगा गाड़ी का कैसा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। के लिए हमने सोच रखा था कि बर्फ वेट था, मतलब बर्फ पड़ेगी तो थोड़ा बहुत, बट बर्फ पड़ी नहीं, और अभी बर्फ की कोई प्रिडिक्शन भी नहीं है, सो मतलब उतना हम रुक नहीं सकते, जाना भी होता है वापस। तो आई होप आपको ये ट्रिप इंजॉय
मतलब आपको मजा आया होगा, कमेंट्स वगैरह अच्छा आए, डेली व्लॉग से रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। व्लॉग एंड नहीं हो रहा, अभी हम ट्रैवल तो कर ही रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, नहीं बैठेंगे, चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बड़ी जल्दी। ठीक है, ओके, बाकी आओ जम्मू ना, अपनी लेके आऊंगा, पक्का चलो। बर्तनों के पत्ते प्यार के निकल चुके हैं वापसी के लिए, तो गाड़ी में जो है फ्यूल कम है, तो एक बार यहाँ से डीजल करवा लेंगे। रात के टाइम ड्राइविंग थोड़ी सी रिस्की भी है, बट कुछ इसके प्लस भी हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि भाई इतनी रात को ही क्यों निकल रहे हैं। अभी 10 नहीं बजे हैं, 9:45 हो रहे हैं, तो चलो डीजल यहाँ से फिल करवा लेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारी J&K बैंक की ऐप चल नहीं रही है, तो मेरे पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं, तो इसलिए मुझे पेटीएम वाले ही उस पे रुकना था, ताकि कैश भी नहीं है। बाकी गाड़ी यहाँ से शायद आपको दिन भर लाइट में नहीं दिख पाई प्रॉपरली, बट नाउ यू कैन सी कि क्या लग रही है हमारी फॉर्च्यूनर, ठीक है ना, तो आई थिंक बढ़िया ही लग रही है। ठीक है, तो पीछे भी स्मॉल टोरेटो लिखवा दी है। तो ट्रिप रात को जाने का रीज़न ये है कि एक तो क्या है कि रात को ट्रैफिक नहीं होता, प्लस मैं थोड़ा सा ना अपनी कैपेसिटी को चेक कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ कि रात को ट्रैवल करने सुख भी रहता है, बट सिर्फ आपको नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं खाना वाना ज़्यादा नहीं खाया ताकि नींद ना आए। पूरी रात ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन तो क्या है 2 घंटे सो के फिर गए थे, और आज पूरी रात ड्राइव करते हैं, देखते हैं बीच में कहीं नींद आई तो मैं सो भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है मुझे बस ड्राइव करना ही करना है, ऐसा नहीं है। डीजल यहाँ से करवा लेते हैं, थोड़ा महंगा है इसलिए फुल टैंक नहीं करवा रहा हूँ, तो 2600 करवा रहे हैं। सो भाई साहब अपने गाइस भी रेडी हैं, ठीक है गाइस रेडी हो, चले आगे कौन रहेगा, आगे कौन रहेगा, भाऊजी आराम आराम से चलेंगे, आओ साहब। हिम्मत है ये जिप्सी वाले भाई की, एक तो ये जिप्सी मतलब मेरी फॉर्च्यूनर भी इस टाइम उसी पे भाग रही है, पीछे सॉफ्ट टॉप है और लोग बैठे हुए हैं ठंड से सिकुड़ रहे हैं, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ चलो अभी तो वो बैठे हुए हैं, उनके घर जाके बीमार नहीं हो जाएंगे वो, क्या है मेरे को लगता है आदत सी हो जाती होगी शायद ना। सो भाई जी ड्राइविंग में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, टाइम आप देख रहे हो 1 घंटा लगभग मुझे ड्राइव करते होते हुए हो चुका है, कुल्लू हमने क्रॉस कर दिया है, बट दिक्कत ये है जहाँ ना जानवर आ जाते हैं रास्ते में, हाईवे है तो मेरी भी स्पीड 80 तक तो रहती है, बट कभी कोई जानवर अचानक से टपक गया तो रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। बस एक इकलौती वो दिक्कत मुझे फील हो रही है रात के टाइम में हाईवे पे कि जानवर कहीं से कोई आना जाए आगे, तो इसलिए मतलब पहले तो 80-100 के बीच चल रहा था, बट नाउ मैं सोच रहा हूँ कि 60-80 के बीच चलेंगे, क्योंकि उतने में गाड़ी कंट्रोल में रहेगी ना, तो ब्रेकिंग भी क्योंकि 100 पे ब्रेक भी लगेगी तो रुकते रुकते टाइम लगेगा। ये मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ रात की ड्राइविंग में क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्लस होते हैं, बट बाकी प्लस तो मतलब क्या कहने यार, मतलब ट्रैफिक है ही नहीं, आप अपने मस्त चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त गाने सुन रहा हूँ मैं, और खाना नहीं खाया हुआ है तो थोड़ी पेट में भूख है इसलिए नींद भी नहीं आएगी, अगर आपने खाना खाया हो तो आपको बाकी स्टेयरिंग की ओए ये भी मसला कर, कुछ कमेंट भी आया मेरे को कि भाई स्टेयरिंग इतना क्यों वोबल कर रहा है, इसको भी हल करेंगे जम्मू जाके वापस। दूर दूर तक गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। भाई साहब सबसे जो खतरनाक रास्ता है ना पूरी ट्रिप का, हम उसमें से जा रहे हैं, बेसिकली ये पोंग डैम वाला रास्ता है। अब क्या है कि ये रास्ता इतना नैरो है ना, और गुंजाइश गलती थोड़ी सी भी हुई ना तो पोंग डैम में ही मिलेंगे, तो इसलिए बड़े ही आराम से जा रहा हूँ, और डर सा लग रहा है अब क्योंकि आते हुए तो हम उस साइड पे थे ना, तो उस साइड तो पहाड़ है, अब साला इस साइड सॉरी फॉर माय लैंग्वेज इस साइड खाई है, अब सामने से कोई गाड़ी आ जाती है उसे पास देने में भी ना ऐसा डर सा लगता है, जो स्पीड मैंने कवर की ना वो सारी इधर पूरी हो जाएगी, एक बस जा रही है आगे कोई उसको ओवरटेक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, देखो सब लाइन में चल रहे हैं, हम भी लाइन में ही चलेंगे भाई, आगे जाके हाईवे पे जाके ओवरटेकिंग करेंगे। तो भाई जी वोल्वो तो फंस गई, मंडी चंडीगढ़ हाईवे जो है वो छोड़ दिया है और अपने जम्मू के लिंक रोड पे आ चुके हैं, जो कि जोगिंदर नगर पालमपुर से होते हुए सीधा जाता है पठानकोट। टाइम देख रहे हो आप 12:30 हो गया, मतलब तो अभी हम रुके हैं यहाँ खाना खाने के लिए। भाऊजी हिमाचल से आए हैं पर हिमाचल की वाइब छोड़ नहीं पा रहे हैं, जाएगा दोबारा बोला। तो अभी हम जिस जगह पे रुके हैं, इस जगह का नाम है नारला। तो बस एक ढाबा दिखा हमें, पूरे रास्ते में कुछ भी खुला नहीं था, बेसिकली नेशनल हाईवे पे चीजें खुली होती हैं, लेकिन इस बीच वाले रोड पे नहीं, बड़े एक ढाबा मिला है, अभी खाना खाते हैं। सब एकदम बढ़िया खाना आ गया, एकदम ताज़ा फुल्का है, दाल सब्जी जो भी है, कड़ी वड़ी सब कुछ मिक्स एकदम खाते हैं बढ़िया से। भोला कब खाएगा, जब लाएगा तब खाएगा भोला। बढ़िया से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल रहे हैं वापस। ब्रेकफास्ट चुरबुर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ब्रेकफास्ट ही है, इसको समझाओ थोड़ा यार। ऋषभ भाई आप समझाओ, चुरमुर चुरमुर चुलमुल, अच्छा चुलमुल है, चलो ठीक है, खाना खा के बस अब नींद नहीं आनी चाहिए, बाकी ठीक है। थोड़ा सा आगे आ गए थे तो फिर याद आया कि वहाँ 2 पानी की बोतल हमने ली थी, वो तो रह गई, तो ऋषभ भाई फटाफट से गए वापस, पास में ही थे, और पानी की बोतल ले आए। ये सील्ड वाली है ना, सील्ड वाली है, ये सील्ड वाली, अच्छा तो आप है, बेहतर भी अच्छा है, बड़े भाई हो ना,
लगभग है ना। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए पठानकोट डाउनटाउन। लगता है नशे जाएगा। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। नॉनस्टॉप ड्राइव करिए हमने बिल्कुल, ठीक है। टाइम देखो 4:37, मतलब कि इतनी तेज गाड़ी चलाई ऋषभ भाई ने आज। ऋषभ भाई क्या चक्कर है आपका? आपने चलाई फिर मैं पीछे पीछे आ रहा। तो गाइस मैंने ऋषभ भाई को कॉपी कर लिया है और मैंने भी कैप पहन ली है, ठीक है। पूरा हिमाचल से हम आ चुके हैं लेकिन फील हिमाचल वाले ही है। चाय भाई पी लेते हैं। चाय पी पी के गर्मी हो गया है, क्या करेगा, क्या भी तो है ना ब्रो। चाय भाई पीने के बाद अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं हमने लगाया, 10-15 मिनट ही लगे हैं। तो चलो देखते हैं घर पहुंचते हैं और आज जो है हमारी ड्रिल काफी हार्ड होने वाली है, तो सीधा घर पहुंच के बताते हैं। सब जम्मू तो पहुंचे हैं वापस, लेकिन नेचर कॉल इतना जबरदस्त नेचर कॉल हो गया कि ऋषभ भाई भी भग गए फटाफट और मैं भी भग रही हूँ। तो चलो अभी वो नेचर कॉल निपटाते हैं और फिर उसके बाद आपसे व्लॉग में मिलते हैं। तो चलिए जी फाइनली सारे काम निपटाने के बाद समझ गए ना, तो पहुंच चुके हैं हम घर। तो अब शेयर कर देते हैं रास्ते कुछ एक्सपीरियंस। लगभग 7 जो है वो बज रहे हैं, तो हम मैं 6:30 तक तो घर पहुंच ही गया था। कंटिन्यूसली ड्राइव किया मैंने काफी अच्छे से, मतलब टाइम भी देखो टाइम बचता है रात को ट्रेवल करने से। जाके वीडियो एडिट करनी है, सोने का अपने पास टाइम नहीं है, तो यही एक यूट्यूबर की लाइफ है। कि ट्रिप की वीडियोज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप ट्रिप की वीडियोज देखना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद डेली व्लॉग देख देख के ना सब लोग बोर हो चुके थे, तो ट्रिप पे कंपैरेटिवली उन व्लॉग्स के मुकाबले ज्यादा रिस्पांस ही आया। तो बहुत जल्द अगर आप चाहोगे तो एक और ट्रिप भी हम प्लान करेंगे, डिफरेंट करेंगे। इस बार इस गाड़ी के साथ गए थे, अगली ट्रिप पे दूसरी गाड़ी के साथ जाएंगे और एक अलग सी लोकेशन पे जाएंगे। तो बस प्यार और सपोर्ट हमेशा के लिए बनाए रखो। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।